ब्राह्मण समाज के लोग अपने पूर्वज आदरणीय भृगु बाबा के यहाँ आकर के माथा टेक करके आशीर्वाद मांगा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए और बलिया नगर विधानसभा सीट से नारद राय जी को भारी मतों से विजयी बनाए। जनता साफ तौर पे एक संदेश दे चुकी है, यहाँ भाजपा के लोग हवा हवाई चुनाव लड़ रहे हैं। शंकर सिंह का वही कहना है कि मैं एक साल के अंदर बलिया को बॉम्बे बना दूंगा। यहाँ शंकर सिंह जी सरोजनी नगर में गड्ढा करके आए हैं, आप लोग जा करके देख लीजिए। जो बॉम्बे बनाने की बात कर रहे हैं, आप सरोजनी नगर जा कर देखिए सरोजनी नगर की क्या स्थिति है। बाकी बॉम्बे बनाना बलिया को हम लोग बॉम्बे नहीं बनाना चाहते हैं। बलिया की एक क्रांतिकारी इतिहास है, बलिया का बागी इतिहास है। महर्षि भृगु बाबा ने जो उस जमाने में बलिया की जो पहचान अपने भगवान को भी लात मार के जो इन्होंने बलिया की पहचान बनाई है, उसको हम लोग बॉम्बे नहीं बनने देंगे। तो क्या बनने देंगे इसको? बलिया का क्रांतिकारी इतिहास है, बलिया के लोग, बलिया में जो विकास होना है, बलिया का विकास करके और बलिया में जो योजनाएं समाजवादी पार्टी द्वारा पिछले सरकार में रखी गई है, आप देखिए ना, ट्रामा सेंटर अखिलेश यादव जी बनवा करके उस समय से रखे हैं, माननीय नारद राय जी ट्रामा सेंटर ले, आज तक उसमें धूल लग रहा है। सारी मशीनें आ चुकी थी, केवल एक दो मशीनें नहीं आई थी। वो मशीन जो यहाँ का विधायक और इस इलाके के नेता नहीं ला पाए, हमारे एक्सीडेंट होता है तो बच्चों को तुरंत रेफर किया जाता है बनारस, जिसके घर में पैसा नहीं है जाके देखिए, जब एक्सीडेंट में 3 लाख 4 लाख रुपये बनारस में लगा के आते हैं लोग, और बलिया में ट्रामा सेंटर बन के तैयार है, यही नारद राय जी का लाया हुआ ट्रामा सेंटर है, लेकिन उसमें धूल लग रहा है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ। यहाँ पुल बना है बड़ा सा, जनेश्वर मिश्रा सेतु बना है, 1.5 किलोमीटर का उस साइड अप्रोच लोग बनाने की हैसियत में सरकार नहीं थी कि वहाँ अपना फोटो लगा ले, और पुल का उद्घाटन करके आनंद स्वरूप शुक्ला और जोगी जी का वहाँ कटआउट और वो लग जाए, पत्थर लग जाए। इनकी हैसियत जब 2 करोड़ ला करके 2 किलोमीटर की सड़क बनाने की नहीं है, और 1000 करोड़ का पुल नारद राय बना के छोड़ दिया, तो जनता को समझ में नहीं आ रहा है जनता को क्या करना चाहिए। तो जनता को नारद राय चाहिए कि जनता को ये भाजपा के झूठे नेता चाहिए जी? अगर वो कुछ काम नहीं किए हैं तो किस चीज़ के बल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव तो MIM भी लड़ रही है, चुनाव तो बसपा भी लड़ रही है, तो बहुत जल्दी भाजपा की वही हालत हो गई।